मैं कुछ नहीं, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक दिन भी चैन का नहीं हो रहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक पल भी चैन का नहीं हो रहा। मैसूर वालों मत करो ऐसा, क्या नसीब लेकर पैदा हुई हूँ मैं, शादी करके भी चैन नहीं है। मेरी शरीर पे हेल्थ में आपको नहीं बता सकती क्या हो रहा है। मेरा गुड न्यूज़ में मेरा बैड न्यूज़ बन गया है मेरा। थैंक यू। मेरी आदिल की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, नो डाउट, बट कुछ लोग हैं मुझे आदिल को जुदा करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं बता सकती, हर चीज़ मीडिया में नहीं होती है, मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। आदिल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आदिल से बहुत प्यार करती हूँ, तो उनके मैसूर में ही कुछ लोग हैं जो उनको चढ़ा चढ़ा के एक मिनट रुक जाइए, उनको चढ़ा चढ़ा के उनको वापस मैसूर बुला लेना चाहते हैं। उन्हें मैं नहीं बताना चाहती हूँ, पैसों का लालच देकर, मेरा आदिल कभी किसी पैसों के लालच में नहीं आता। क्या नसीब लेकर पैदा हुई हूँ मैं, शादी करके भी चैन नहीं है, शादी करके भी चैन नहीं है। आप बताइए, कहीं इस वजह से तो नहीं कि आप हिंदू हो और मुसलमान है, लव जिहाद की वजह से? मुझे नहीं पता हिंदू मुस्लिम का, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग आदिल को फ़ोन कर करके मुझसे जुदा करना चाहते हैं। कहीं के नहीं, सिर्फ मैसूर के लोग हैं, और वो कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम है। वो उनको फ़ोन कर करके पता नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरी शरीर पे हेल्थ में आपको नहीं बता सकती क्या हो रहा है। मेरा गुड न्यूज़ में मेरा बैड न्यूज़ बन गया है मेरा। थैंक यू। राखी जी, आखिरी सवाल, आपका एक तस्वीर, इनका एक फ़ोटो ले लो प्लीज़। एक तस्वीर जो वायरल हो रहा है, आप भगवा कलर का बुर्का में दिखाई दी हो तस्वीर में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी आप भगवा कलर के मतलब बुरखे में आपका फोटो लेके वायरल हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने पहना नहीं है, किसी ने कलर करेक्शन किया होगा। मैंने बुरखा पहना है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मेरी शौहर मुस्लिम है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कलमा पढ़ा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है नमाज़ पढ़ना। मैं अपने गॉड को भी प्रे करती हूँ और नमाज़ भी पढ़ती हूँ। मैं जीसस को भी मानती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ, मुझे इससे कोई मेरा खुदा रोक नहीं सकता। मैं आपसे मैसूर वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे और आदिल को जुदा ना करें प्लीज़। कोई रीज़न बताना चाहो क्यों जुदा कर रहे हैं लोग? मुझे नहीं मान, आदिल के घर वाले नहीं मान रहे हैं कि ऐसा कुछ बाहर से कोई? मैं कुछ नहीं, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक दिन भी चैन का नहीं हो रहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक पल भी चैन का नहीं हो रहा। मैसूर वालों मत करो ऐसा, जो आदिल को जानते, सारे मैसूर वाले के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन जो आदिल को जानते हैं, मुझे और आदिल को जुदा ना करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। उसे भी चैन से जीने दे, मुझे भी चैन से जीने दे। थैंक यू। आपको बताती हूँ, शायद शाम को होगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट टाइम दिया हुआ है, शाम को होगा। राखी थोड़ा नीचे आ जाना, ठीक है? नहीं राखी जी, मैम एक मिनट रुक जाए, रुक जाए, लग के लिए आ गए, एक हो गए, थोड़ा जगह दे दे, मगर तो मैं तो मेरा मोबाइल जरा चालू नहीं हुआ, हैंग कर दिया क्या? हाँ हैंग हो गया। ठीक है चल कोई बात, मुझे बोला भाई रुक जा, भाई एक मिनट रुकना, भाई एक मिनट मोबाइल नहीं आया यार, एक मिनट भाई, बाद में फोटो लो यार। राखी जी, कल आप बोल रहे थे कुछ अम्बानी जी ने आपकी हेल्प की, उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। तो नाम जो थे ना, जिन्होंने मुझे मेरी मम्मी के एनजीओ के लिए, हाँ मैम, अम्बानी परिवार से ही थे वो लोग, हाँ। उनके परिमल परिवार है ना, परिमल हाँ, तो उनके भरत भाई करके हैं, उनके एनजीओ ने मेरी माँ को
हेल्प किया है डेफिनेटली, बस इतना कहना चाहती हूँ। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, अभी मम्मी का भी हेल्प कैसे आपकी? मम्मी को तो पूरा कैंसर बॉडी में फैल गया है, और बोन्स में, ब्रेन में, हर जगह। माँ का दर्द और अभी अभी सब आदिल को सता रहे हैं, जब आदिल ने कबूल कर दिया बराबर शादी तो आदिल को सब मैसूर के कुछ लोग सता रहे हैं, वो घर नहीं बसने देना चाह रहे मेरा, बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। मैं राकेश जी आपके साथ, राकेश जी सब सही हो गया, अभी तो लीगल हो गया, लीगल है मेरा, आदिल मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, जाएगा तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ आदिल भाई नहीं छोड़ेंगे, बोलो जब आपके साथ है, हम आपके साथ। जब आदिल भाई ने, जब समय निकल जाए, जब आदिल भाई ने कबूल कर दिया तो अभी कोई टेंशन ही नहीं आपको? हाँ, लेकिन उनको है ना प्रेशर किया जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, उनको प्रेशर किया जा रहा है। बता सकते हैं किस तरह का, कहां से प्रेशर आ रहा है? मैसूर से। कौन है वो? जहां से वो है, कर्नाटका मैसूर से जहाँ से है, वो बहुत लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। करण, करण भाई आइए, करण भाई आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, इज बिजी। क्या फैमिली मेंबर्स हैं? नहीं, फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो कुछ लोग हैं जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ कौन लोग हैं। उनके दोस्त या फिर कोई? बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो वो कह रहे कि तो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से शादी करी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी, वक्त आने पर मैं सब खुलासा करूँगी मीडिया के ज़रिए। सिर्फ कर्नाटका में, मैसूर वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मत करो आप, आपको ऊपर वाले को जवाब देना है। मेरा बकायदा निकाह हो चुका है, मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया है। जहन्नुम में जाओगे आप लोग, मुझे और मेरे आदिल को जुदा करना चाहते हो, उसे मेंटली प्रेशर आप कर रहे हो, ताकि मेंटली प्रेशर में आके वो गंदे तीन वर्ड मुझे बोल के चले जाए। उनके वर्ड बोलने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना, तुमको जहन्नुम में नसीब नहीं करेगा अगर मुझे और मेरे आदिल को अलग करोगे तो। शुक्रिया। नहीं, जब आदिल भाई का साथ है तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। राकेश जी कितने बजे आना है? मुझे लगता है शाम को उधर जाना है। मैं इनको बोलूंगी ये सब सादा जी को ना, क्योंकि मेरे पास किसी का, आपने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। नहीं, मैं आपको फोन किया था। व्हाट्सएप पे टाइम। ओके भाई।